उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो एयरपोर्ट पे पासपोर्ट का मसला हुआ आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ 14 सेप्टेम्बर 2020 को मैं सिस्टर आई थी जिन्हें एयरपोर्ट में मैं रिसीव करने गया था तो कुछ एफआईआर को ऑफिसर कह रहे थे कुछ अपने आप को एफआईआर को ऑफिसर कह रहे थे तो उनको आके तो उन्होंने मेरे सिस्टर को वहाँ रोका रोकने के बाद उनके एजेंसी और पासपोर्ट ले लिया और उसके बाद बाहर आके पूछते हुए उधर से आपका भी एजेंसी और पासपोर्ट लो मैंने कहा किस लिए किस बिना का तो उन्होंने कहा कि हम लोग तफ्तीश करेंगे कि आपकी चीज़ ये ओरिजिनल है या नहीं हमें शक हो गई और चाहिए उसके बाद से मैंने भी अपने ओरिजिनल एजेंसी और पासपोर्ट ले लिया उनको चेक करने के लिए 3-4 घंटे बाद जब वापसी आए तो मैंने उससे पूछा तो क्या मामला था तो कह रहे कि हमने ये चीज़ तफ्तीश करने के लिए आगे पासपोर्ट सेल में भेज दिया तो आपकी सिस्टर को हम दोबारा रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये सर तकरीबन 1.5 साल हो गए तो मैं एयरपोर्ट और पासपोर्ट सेल में चक्कर लगाता रहा तो वहाँ पर मैं पूछता रहा कि मेरा पासपोर्ट और एनआईसी जो मेरी सिस्टर को मेरा ये चीज़ें है कहाँ तो वो लोग बता रहे थे कि भाई ध्यान नहीं आने आपका कोई दिया है अभी अभी टोटल कितना टाइम हो गया 1.5 साल से ऊपर हो गया पाकिस्तान में देख रही है हमारे पाकिस्तानी भाई अगर कोई मामला है इस मामले को चेक किया जाए देखा जाए इसका मतलब ये थोड़ी होता है बुला दे उधर से भी इन पे डीम चढ़ रहा है इधर से भी डीम चढ़ रहा है ठीक है सीधी सीधी बात बताना चाहेंगे मसला इनके साथ क्या है मामला समझ में आने वाली बात है पाकिस्तानी लोग हैं शौक रखते हैं आकर रखते हैं हम खुद समझते हैं कि मामला कहाँ तक बेहतर है और कहाँ तक सही है और सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस पे एक्शन लिया जाए और वफाक हुकूमत को मैं इधर वो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज पे एक्शन लिया जाए और क्योंकि ये गरीब लोग हैं अगर गरीबों के साथ अगर ऐसा होगा तो हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए अगर ऐसा है और इस पे बड़े हसास इदारे और मैं उनको कहता हूँ हसास इदारों को कि इस पे एक्शन लें प्लीज क्योंकि ये है परेशान हाल इनकी सिस्टर का मसला है अगर ये जाली है तो बाहर क्यों घूम रहा है इनको भी अंदर बंद करके आपने बंद नहीं किया इनको इनकी सिस्टर दुबई में तो इनको पाकिस्तान की सेंट्रल जेल में डाल देते इनको आपने छोड़ा हुआ है इसलिए छोड़ा हुआ है भाई ये गलत है आप इनको क्लियर करें और मैं आईजी सिंह को रिक्वेस्ट करता हूं और एडिशनल आईजी को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इस पे एक्शन लिया जाए पता लिया जाए कि ये कुछ जाली लोग भी ऐसे हैं जो ये जाली पासपोर्ट और मामला के चक्कर में होते हैं